नमस्कार दोस्तों, आजकल दुनिया भर में एक ही देश का नाम गूंज रहा है और वो है इजराइल। इजराइल दुनिया का पहला और एकमात्र यहूदी देश है। अगर यहूदी धर्म की बात करें तो इस्लाम और ईसाई धर्म की तरह ही ये भी एक अब्राहमिक रिलीजन है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ के ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर इब्राहिम से हुई थी। इस्लाम और ईसाई दोनों धर्म में पैगंबर इब्राहिम की मान्यता है। पैगंबर इब्राहिम ईसा से लगभग 2000 साल पहले हुए थे। पैगंबर इब्राहिम के दो बेटे थे, एक का नाम इस्माइल था और दूसरे का इसहाक। इन दोनों को भी नबी का दर्जा मिला है। इसहाक के बेटे यानी इब्राहिम के पोते याकूब थे। याकूब को ईसाइयत में जैकब कहा जाता है और इन्हीं याकूब का दूसरा नाम इज़राइल था। आगे चलकर याकूब उर्फ इज़राइल के 12 बेटे हुए, जिन्हें 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल कहा जाता है। यहूदी मान्यता के अनुसार इन्हीं 12 कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर यहूदी देश बनाया। शुरुआत में इसका नाम लैंड ऑफ इज़राइल रखा गया। 1948 में यहूदियों के एक अलग राष्ट्र की दावेदारी का आधार यही लैंड ऑफ इज़राइल बना। इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम मूसा का है। हजरत मूसा को इस्लाम धर्म में भी अल्लाह का नबी माना जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार हजरत मूसा ने अलग अलग बिखरी यहूदी जातियों को मिलाकर एक किया और उन्हें फिलिस्तीन में लाकर बसाया। फिलिस्तीन भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच में स्थित भूक्षेत्र है। फिलिस्तीन यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्म के लिए एक बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ मौजूद जेरूसलम से तीनों धर्मों की आस्था जुड़ी है। इस जगह पर पहले ऑटोमन साम्राज्य का राज था। उन्होंने यहाँ 4 सदी से भी ज्यादा लंबे वक्त तक शासन किया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हारने के बाद ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया। 19वीं सदी के आखिर में पूर्वी यूरोप में फिलिस्तीन में यहूदियों का पलायन शुरू हुआ। इसे पहला अलिया कहा जाता है। अलिया यहूदियों के दूसरे देशों से पलायन को कहा जाता है। ये पलायन पूर्वी यूरोप में हो रहे नरसंहार से बचने के लिए साल 1881 में शुरू हुआ था। इसके बाद 1904 से 1914 के बीच दूसरा अलिया शुरू हुआ। ये पलायन भी नरसंहार से बचने के लिए हुआ था। उस समय हजारों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। दुनिया भर के अलग अलग देशों से जब यहूदियों का पलायन चल रहा था, उसी बीच 1896 में ऑस्ट्रिया हंगरी के पत्रकार थियोडर हर्जल ने एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में पहली बार यहूदियों के लिए अलग देश की बात कही गई थी। साथ ही उन्होंने एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की, जिसे ज़ियोनिज्म कहा जाता है। इसका मकसद यहूदियों के लिए अपना एक अलग स्वतंत्र देश बनाना था। 20वीं सदी की शुरुआत में जब यहूदियों का पलायन तेज हुआ, तो 1909 में फिलिस्तीन में पहली यहूदी शहर टेल अवीव की स्थापना हुई और साथ ही यहूदियों के लिए एक देश बनाने की मांग भी तेज हो गई। इन सब के बीच ही 1915 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। विश्व युद्ध चल ही रहा था कि उस दौरान 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव आर्थर बेलफोर ने ब्रिटेन के यहूदी नेता लॉर्ड रॉथचाइल्ड को एक लेटर लिखा, जिसे बेलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इस लेटर में यहूदियों को फिलिस्तीन में राष्ट्रीय घर देने की बात मान ली गई थी। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया और युद्ध को जीतने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर मध्य पूर्व का बंटवारा कर लिया। फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा किया और ब्रिटेन ने इराक और फिलिस्तीन को अपने अंडर में ले लिया। ये सब कुछ लीग ऑफ नेशंस की निगरानी में हो रहा था, जो कि संयुक्त राष्ट्र से पहले की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। पहले विश्व युद्ध के बाद अगले 10 साल में लगभग 100,000 यहूदी फिलिस्तीन में बसते चले गए और उन्होंने यहाँ अपने परमानेंट सेटलमेंट्स बना लिए। इस सब का नतीजा ये हुआ कि 1936 से 1939 के बीच अरब में विद्रोह हो गया। विद्रोही यहूदियों के फिलिस्तीन में पलायन के खिलाफ थे। दोनों ओर से संघर्ष हुआ, जिसमें हजारों लाखों लोग मारे गए। आखिरकार 1939 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के आने पर रोक लगा दी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए। चुन चुन कर यहूदी लोगों को मारा जा रहा था। इस सब के पीछे जर्मनी के तानाशाह हिटलर का हाथ था और ये अत्याचार हिटलर की नाजी सेना कर रही थी।
हिटलर यहूदियों को इसलिए मार रहा था क्योंकि वो पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का जिम्मेदार यहूदियों को मानता था। हिटलर की नाजी सेना से बचने के लिए यहूदियों ने यूरोप से भागना शुरू कर दिया, लेकिन दुनिया भर के बाकी देश उन्हें अपने यहाँ शरण देने से बच रहे थे। जब हिटलर चुन चुन कर यहूदियों को मरवा रहा था, उसी समय गुपचुप तरीके से अलिया बेट नाम से आंदोलन भी चल रहा था। इसके अंतर्गत यहूदियों को गुपचुप तरीके से फिलिस्तीन में बसाया जाने लगा। एक अंदाजे के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के आखिर तक फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी 30% से ज्यादा हो गई थी। यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के नरसंहार के बाद से ये मांग और तेज हो गई, क्योंकि अब यहूदी कहीं और खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। ब्रिटेन ने यहूदी और अरब प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। यहूदी फिलिस्तीन को यहूदी और अरब देश में बांटने की मांग पर अड़े थे, जबकि अरब इसके खिलाफ था और उनका कहना था कि पूरा फिलिस्तीन उनका है और यहूदी उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आखिरकार 15 मई 1947 को ब्रिटेन ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के पास भेज दिया। सितंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में एक अरब देश और एक यहूदी देश की बात की, जबकि जेरूसलम जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है उस पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की बात कही गई थी। लेकिन दिसंबर 1947 में ही गृह युद्ध शुरू हो गया और ब्रिटेन ने ऐलान किया कि 15 मई 1948 को वो फिलिस्तीन से चले जाएंगे। इस ऐलान के बाद अरब विद्रोहियों ने यहूदी इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। जवाब में हगाना, लेही और डरगून जैसी यहूदी संगठनों ने भी हमला कर दिया। यहूदी विद्रोही संगठनों की इस कार्रवाई में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा अरबों ने फिलिस्तीन छोड़ दिया। अंग्रेजों के फिलिस्तीन छोड़ने से एक दिन पहले 14 मई 1948 को यहूदी नेता डेविड बेन गुरियो ने एक अलग यहूदी राष्ट्र बनाने का ऐलान किया, जिसे इसराइल नाम दिया गया। अरब देश फिलिस्तीन की जमीन पर इसराइल बनने से नाखुश थे, इसलिए इसराइल के गठन के एक दिन बाद ही मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने उस पर हमला कर दिया। ये पहला अरब इसराइल संघर्ष था। अरब और इजरायली सेना के बीच लगभग एक साल तक युद्ध चला। आखिरकार 1949 में सीज फायर का ऐलान हुआ और इसराइल फिलिस्तीन के बीच अस्थायी बॉर्डर बना। इसे ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाता है। सीज फायर की घोषणा से पहले जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था, जिसमें पूर्वी यरूशलेम का हिस्सा भी शामिल था, जबकि मिस्र ने गाजा पट्टी को अपने अंडर ले लिया था। 1948 के बाद 1967 में एक बार फिर इसराइल और अरब देशों में युद्ध हुआ। ये लड़ाई 6 दिन तक चली थी। इस लड़ाई में इसराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन साल 2005 में उस पर से अपना दावा छोड़ दिया। 1948 में बने इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले ही साल 1949 में मान्यता मिल गई थी। 11 मई 1949 को इसराइल संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया था। फिलिस्तीन जेरूसलम को अपनी राजधानी बताता है, जबकि 1967 में 6 दिन तक चली लड़ाई में इसराइल ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था और इसे अपनी राजधानी घोषित कर दी थी। हालांकि इसराइल को भले ही संयुक्त राष्ट्र के ज्यादातर सदस्यों ने अलग देश के तौर पर मान्यता दे रखी हो, लेकिन अब भी ज्यादातर देश जेरूसलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रख दिया था। तो दोस्तों, ये थी इसराइल के इतिहास के ऊपर हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।